हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहे हैं, जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं। ठीक है, इस बीमारी से तो बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, हालांकि नुस्खा तो आपको नया बताने जा रहे हैं, लेकिन बीमारी बहुत पुरानी है। इससे लगभग लगभग मेरे ख्याल से 75% लोग परेशान हैं। ठीक है, और कहीं भी इसका सलूशन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है पित्त की पथरी। आपने भी सुना होगा, आपके अगल बगल, इधर उधर, नात रिश्तेदार, ठीक है, किसी के पास भी हो सकती है। ठीक है, लोग कहते हैं पित्त की पथरी का इलाज नहीं है कोई, इसका सिर्फ सिर्फ ऑपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, आज हम आपके सामने, आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर के आए हैं जो कि बिना ऑपरेशन के आपके पित्त की पथरी को जो है निकाल देगा, पक्का है। ठीक है, और अगर किडनी में पथरी है तो भी निकाल देगा। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक करना है। ठीक है, इसी के बीच में आपकी कैसी भी पथरी होगी तो निकल जाएगी। ठीक है, तो जानकारी देने से पहले दोस्तों, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, देखो, नुस्खा बता देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नुस्खा तो कोई बता देगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों, सारी जानकारी देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप जो है स्किप करके निकल जाओ। तो भाई, अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है तो कोई भी वीडियो मत देखा करो, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, कहीं पर भी। ठीक है, नुस्खे वाली वीडियो कोई भी मत देखा करो अगर आपके पास टाइम नहीं है 10 मिनट का तो। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट 1 मिनट में आदमी क्या बताएगा आपको, सीधा सीधा नुस्खा बता दिया, बात ख़त्म। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, सब कुछ अगर नहीं बताएगा डिटेल से, सब कुछ आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करोगे? उल्टा सीधा करोगे, काम नहीं करेगा, या फिर समझ में नहीं आएगा तो अगर बंदे ने व्हाट्सएप दिया है तो उसके व्हाट्सएप पर जो है मैसेज डालोगे और वो क्या करेगा, रिप्लाई भी नहीं करेगा आपको। ठीक है, मैंने बहुत से यूट्यूब के व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया है, हमारा मैसेज 6-6 महीने से पेंडिंग है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, केवल व्हाट्सएप पर हमारे पास जो मैसेज आता है उसका रिप्लाई हम तुरंत देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगना। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखो ताकि व्हाट्सएप पर मैसेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और हम वीडियो में कुछ भी जो है आपको छिपाते नहीं हैं, सब कुछ एकदम क्लियर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जब सब कुछ आपको बता दिए तो फिर पूछने का कोई चांस ही नहीं रहा। अब गलती आपकी है, आप वीडियो सही से देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, तो क्या करोगे भाई। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुने। ठीक है, और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का भला हो सके। बहुत से लोग पित्त की पथरी से परेशान हैं। ठीक है, और दोस्तों, ये गारंटी देता हूँ 101% ये नुस्खा पक्का काम करेगा, आजमाया हुआ नुस्खा है। ठीक है, आयुर्वेद में ऐसा सब लिखा हुआ है, वैसे फालतू में नहीं बड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नुस्खा आपको बताते हैं क्या क्या लेना है। ठीक है, इसमें देखिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और तीनों जो है ओरिजिनल चाहिए। पहला नंबर शहद, ठीक है, और नींबू का, तो नींबू तो लोकल आता ही नहीं है, नींबू तो ओरिजिनल ही आता है, तो नींबू की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
और उसके बाद जैतून का तेल, इसको देखना है आपको ओरिजिनल मिले ब्रांडेड, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको मार्केट से लाना है और रख लेना है, ठीक है, और इसी नुस्खे का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? सुबह में नाश्ते के पहले ब्रश करने के बाद, यानी कि खाली पेट, ठीक है, आधा गिलास पानी लेंगे, उसमें एक चम्मच जो है शहद ओरिजिनल और एक चम्मच जो है नींबू का रस और एक चम्मच जो है जैतून का तेल, ठीक है, उसमें डाल करके अच्छे से हिला देंगे, मिक्स करके अच्छे से, और उसको जो है पियेंगे, ठीक है। इसको कंटिन्यू आप कम से कम 15 दिन करेंगे, 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और 15 दिन में नहीं रिजल्ट आता है तो 1 महीने करिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी पथरी निकल जाएगी, चाहे वो पित्त की हो चाहे वो किडनी की हो, किडनी में तो नहीं आजमाया लेकिन पित्त की पथरी तो पक्की है, निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। बाकी परहेज का भी ख्याल रखें, शराब ना पिएं, ठीक है, और उसके बाद पथरी वालों को तो जो है नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम वाली जितनी चीज़ें हैं नहीं खानी चाहिए। आखिर पथरी ये बनता क्यों है, शायद आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। जब आप प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो, ठीक है, और बॉडी में जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, किडनी जो है उसको फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती है तो जान हो जाता है, ठीक है, और वही जो है यूरिक एसिड बनता है, फिर गांठ में दर्द होने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आपका पथरी बन जाता है, जो किडनी में से फिल्टर नहीं हो पाता है, जो गंदगी रह जाती है वही जो है पथरी बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास पथरी है और फिर भी ये सारी चीज़ें आप खा रहे हो तो नुकसानदेह तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए परहेज करें, शराब ना पीजिए, बीड़ी ना पीजिए, सिगरेट तंबाकू, ठीक है, ये सब चीज़ें ना खाएं, ना पिए, नॉनवेज वगैरह ना खाएं, ठीक है, और प्रोटीन वाली चीज़ें जो है उनका परहेज करें, और जिसमें बीज होता है जैसे बैंगन हुआ, गोभी हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों का परहेज करें। परहेज में जो है ये सारी चीज़ें आप शामिल करें, ठीक है, और परहेज से अगर ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो पक्का फ़ायदा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर किसी को बचपन की शिकायत है, शादी के 10-20 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे दवा मंगा सकते हैं, 100% गारंटेड दवा है, सस्ती दवा है, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम से अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के 10-20 साल हो गए हैं, चाहे फलोपिन ट्यूब ब्लॉक है या जो है वीर में शुक्राणुओं की कमी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है, या पीरियड का प्रॉब्लम है, नहीं पीरियड नहीं सही है, या बच्चेदानी में गांठ है, या PCOD की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी प्रॉब्लम से बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के 10-20 साल हो गए हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए खर्च करवा दिए, या IVF भी आप करवा दिए, सक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बार हमें मैसेज करें, ठीक है, आपकी जो है हसरत